दिल्ली में हम एक जगह पे हैं जहाँ पे गार्लिक ब्रेड जो है बहुत ज्यादा वायरल है। भैया नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। भैया गार्लिक ब्रेड को इतना वायरल कर दिया, ये तो आम ब्रेड है, लोफ है, इसमें क्या खास करते हैं आप? सर जब बनाएंगे आप खुद ही देखना सर, स्वाद ऐसा है कि अपने आप ही ग्राहक आता है। क्या बात है भैया, आपका नाम क्या है? सर धीरज गुप्ता नाम है। धीरज जी आप मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा धीरज रखिए और आप दिखाएंगे कि कैसे बढ़िया वाली गार्लिक ब्रेड आप बनाएंगे। तो ये कौन सा वाला लोफ है भैया? सर ये गार्लिक ब्रेड का लोफ है। अच्छा, ये गार्लिक ब्रेड का लोफ है, किसी कंपनी का है, आपने खुद बनवाया हुआ? ये एक बेकरी से टाइप है, उसी से बनवाते हैं सारी दुकानों को। जी जी जी, तो उन्हीं से बनवाते हैं भाई साहब। एक बेकरी से टाइप है, इधर देखो डायगोनल कट्स जो है गार्लिक ब्रेड को लगा दिए हैं। ये और क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? सर हमारे पास पिज्जा और गार्लिक ब्रेड दो ही आइटम मिलेंगे, मगर दोनों ही बेस्ट हैं, मतलब जो खा जाएगा वो यहीं का हो जाएगा। अरे वाह, तो पिज्जा में और गार्लिक ब्रेड में कौन कौन सी वैरायटी है? पिज्जा में सर 20 तरह के पिज्जा मिलेंगे आपको, हर वैरायटी का मिलेगा, बच्चे के हिसाब से, बड़े के हिसाब से, नॉन स्पाइसी, स्पाइसी, सारी टॉपिंग मिलेंगे। और गार्लिक ब्रेड में? गार्लिक ब्रेड में 3 तरह की वैरायटी है। अच्छा, चीज गार्लिक ब्रेड है, चीज वेजिटेबल गार्लिक ब्रेड है और टॉपिंग गार्लिक ब्रेड। अच्छा, पीछे आपका एक कोई चैलेंज भी आया हुआ था ना कि पता नहीं कितनी गार्लिक ब्रेड खाओ। तो सर वीडियो आती ही रहती है, कुल ना कुल नया निकालते ही रहते हैं। तो अभी कोई चैलेंज तो नहीं है? चैलेंज तो बंद कर रखे हैं सर। जी जी जी, तो लास्ट चैलेंज क्या था और कितने का था? सर 3 मिनट में एक पिज्जा खाना था, लास्ट साइज का 11,000 का इनाम रखा हुआ। भाई साहब, तो आप बांटते 11,000 रुपए? कोई जीत ही नहीं पाया। अच्छा, कोई जीत ही नहीं पाया, सही है भैया, टीम लगा रहे हो अब? सर सेटिंग करेंगे गाली पे। जी अच्छा, अब ये जो सेटिंग होनी चालू हो जाएगी भाई, बिल्कुल बेस से आपको हम मेकिंग दिखा रहे हैं कि कैसे इसकी प्रेपरेशन होती है। गार्लिक ब्रेड का लोफ जो है, पहले तो इनको डायगोनल कट्स किए हैं और अभी ये पूरे जो है एक सटा देंगे आगे इनके सामने। ये इसके बाद इसको फिर बेक भी करेंगे? हाँ जी सर, बेक करके भी दिखाएंगे। ये सर हमारी आधे घंटे में ही बिक जाती है सर, इतनी गार्लिक ब्रेड। अच्छा, मतलब जो 4 लोफ है आधे घंटे में? हाँ जी। क्या बात है भैया, आज तो पहला नवरात्रा है इसीलिए भी मुझे लग रहा है थोड़ा लोग कम आएंगे, फिर भी सर बिकता ही रहेगा क्योंकि सर गार्लिक ब्रेड में सबसे पहली चीज ही गार्लिक है, इसलिए लोग मुझे लग रहा है अवॉइड करेंगे, है ना? हाँ, पर हम तो चाहते हैं कि बिके और इससे भी ज्यादा बिके और फटाफट से बिके। सबसे पहले तो अनियन ऐड करेंगे। जी जी, सबसे पहले एक एक पे प्याज। भैया इसके पहले आप क्या करते थे? सर पहले पढ़ाई करते थे, फिर पढ़ाई जब खत्म हुई तो फिर ये चालू कर दिया। भैया पढ़ाई खत्म हुई है आपने करी? नहीं, खत्म तो होती नहीं है पढ़ाई जी, फिर भी हमने कर दिया। अच्छा, आपने कर दी अपने हिसाब से बीए पास। अच्छा, बीए करने के बाद फिर गार्लिक ब्रेड और पिज्जा कैसे दिमाग में आया भैया? सर ये हमारे पापा जी का काम था, पुराना काम। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पिताजी भी यही करते थे, पिज्जा और गार्लिक ब्रेड ही लगाते थे? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, उसी तो काम को थोड़ा आगे बढ़ाया है जी। तो कितनी स्टॉल्स हैं मतलब अपनी? अब हमारी सर 15-20 स्टॉल चल रहे हैं पूरी दिल्ली में। अरे वाह, क्या बात है, तो भाई साहब अभी 15-20 स्टॉल्स जो है वो हो चुके हैं भैया के, और आपके पिताजी के काम को आपने आगे काफी बढ़ा दिया भैया। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त यार। फिलहाल प्याज और शिमला मिर्च आ चुकी है, हम देख रहे हैं कि भाई ये ना काम मतलब मेहनत का लंबा काम है, मुझे लग रहा था फटाफट से बन जाएगी। ये सर टमाटर ऐड किए हमने। जी जी जी, इसके बाद भी बहुत सारा सामान आने। अच्छा, अभी और बहुत सारा सामान आएगा भाई साहब। फिलहाल टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च जो है वो हो चुकी है। ये सर स्वीट कॉर्न आएंगे। अच्छा, ये अभी आ गए जी स्वीट कॉर्न। भैया कौन? ये सर। कौन आ गए? ये सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भैया, स्टार्टिंग छोटे लेवल से करी, धीरे धीरे अब अच्छा लेवल हो गया, अच्छी डिमांड है और हर जगह नाम है। ये सर सॉसेज हैं, इसकी तंदूरी सॉस बोलते हैं, और सर चिली गार्लिक सॉस आएगी। अब आ गई जी चिली गार्लिक सॉस। अब सर इसके मसाले आएंगे। अच्छा, इसके मसाले भी हैं? हाँ, इटालियन हर्ब्स हैं। अच्छा जी, ये आएगा गार्लिक पाउडर आएगा। अच्छा, अभी गार्लिक पाउडर। सर हमारा आएगा प्रोसेस चीज। अब चीज वाला प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा भाई, अभी देखो असली मजे तो अब आने वाले हैं। अब सर आएंगे हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भैया इसमें क्या क्या है? ब्लैक ऑलिव, रेड पेपरिका एंड जलापेनोस। अरे वाह, तो भाई साहब अभी नजर बट्टू आ गया हमारा। सबसे पहले तो ब्लैक ऑलिव्स आ गए भैया। स्वाद अनुसार डाल रहे हैं, किस अनुसार डाल रहे हैं? स्वाद अनुसार सर, और कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी फिर वो भी टेस्ट नहीं आएगी। जैसे मट्ठी में काली मिर्च होती है वैसे ये गार्लिक ब्रेड में आप ऑलिव डाल रहे हैं ना? हाँ जी। बढ़िया। अच्छा, हर पीस में एक आएगा? एक भी डाल दो, दो डाल दो, कस्टमर अगर ज्यादा बोलेगा ज्यादा भी डालते हैं। अच्छा सर, आपका एलापिनो आएगा? सर ये है तो आपका वैसे। ये देखो एलापिनो भी आ गया, और भाई ये अभी तक मेरा नहीं है, अभी भैया का ही है, अभी मैं इसको खरीदूंगा तो फिर मेरा हो जाएगा ना भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। भैया आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे अपनी स्टॉल पे खाने में? सर गार्लिक ब्रेड खाता हूँ और पिज्जा खाता हूँ, मतलब सिंपली पिज्जा खाता हूँ। सिंपली पिज्जा? हाँ, सिंपली वेज। अच्छा, सिंपली वेज। वैसे हमारे होल सेलिंग है तंदूरी स्पेशल पिज्जा। अच्छा, और 12 टॉपिंग क्लासिक पिज्जा।
12 टॉपिंग, तो उसमें क्या क्या डालते हैं भैया? सारी वैरायटी एक ही पिज्जा के अंदर, सारी वैरायटी, मतलब उसमें क्या मशरूम है, क्या क्या है? मशरूम है, जलापिनो है, ब्लैक ऑलिव है, अनियन है, टमाटो है, कॉर्न है, पनीर है, मोजरेला चीज है, लिक्विड चीज है, बहुत सारी चीजें। अरे वाह। अब सर रेड पेपरिका आएगी अब। अब इसके बाद रेड पेपरिका, भाई इसका जो फ्लेवर है ना, असली मजे तो इसको खाने के बाद आते हैं यार। कार्यक्रम जो है ना एकदम रंगारंग हो गया है। इसमें देखो वेजीज भी आ गई हैं और उसके बाद चीज भी आ गया है और ऊपर से एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी आ गई हैं। बहुत ही बढ़िया लग रही है। और भैया अब और चीज, अब सर आएगी चेडार चीज। अरे भाई चेडार, ये चड्डा जी की? नहीं नहीं, मोजरेला प्लस चेडार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चेडर चीज आ गया भाई। ये देखो इसके ऊपर ये भी डाल दिया। इससे भैया क्या होगा सर? इससे टेस्ट और निखर जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो पहले वाला डाला था वो नॉर्मल मोजरेला था? आज खुद ही खाएंगे आप तो दीवाने हो जाएंगे। अरे वाह सर, मैं तो ऑलरेडी आपके बनाने के अंदाज का दीवाना हो गया हूँ। जिस तरीके से आप बना रहे हैं ऐसा तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता है। भैया ये क्या कर रहे हो सर? अभी ये बेक होने जाएगी। भैया एक मिनट, ये क्या कस्सी ये सर? अरे भैया कंस्ट्रक्शन वाले हो क्या? पिज्जा बने, एक मिनट दिखाना, ये एक्चुअल में कस्सी है भाई। क्या बात है भाई, पिज्जा स्क्रीन हो गई पुरानी, अब तो आजकल कस्सी से होगा काम। भैया बाद में कहीं और तो नहीं लगाते? नहीं सर, ये पक्की बात है, ये दिन भर लगी रहती है। ये तो गजों के हिसाब से आपने पिज्जा बना दिया है ना, जैसे एक गज दो गज, उसी हिसाब से एक गार्लिक ब्रेड दो गार्लिक ब्रेड। एक बार दिखाना है हथियार अपना? ये हथियार है, ये हमारा सामान है सारा। दिखाओ हथियार तो दिखाओ, ये थोड़ा अच्छे से पकड़ के दिखाओ ना सर। अरे वाह भाई साहब सही है। तो आपको नॉर्मल जो पिज्जा स्क्रीन वगैरह होती है वो अच्छी नहीं लगती? पिज्जा स्क्रीन भी यूज होती है। अच्छा, पर ये बड़ा वाला जो है कस्सी से आप उससे? सही है, हमारा काम के हिसाब से यही सही है। सही है। और भैया अगर कोई पेमेंट ना दे तो वो भी? सही है, सही है, सही है, सही है, कुछ ना कुछ तो देके जा रहा है। तो भाई साहब वो जो गार्लिक ब्रेड है जो कस्सी से बनाई है और अंदर, भाई कितना जबरदस्त कलर आया यार इस पे, एकदम बढ़िया। वाह क्या बात है हे, तो बहुत ही कमाल लग रही है यार। और क्या प्राइस क्या है इसका? सर ये 6 पीसेस गार्लिक ब्रेड स्पेशल वाली हमारी 240 का होने है। 6 पीसेस 240, और जो आपकी बच्चों वाली है वो 160 का है। 160 का 3 6 पीसेस, क्या बात है यार। ये गार्लिक ब्रेड 6 पीसेस आपको, दोबारा बताना कितने के? सर स्पेशल वाली लोगे तो 240 240 का है जी, और बच्चों वाली लोगे चीज वाली गार्लिक ब्रेड 160 का। क्या बात है, जबरदस्त यार। ये देखो पूरी की पूरी गार्लिक ब्रेड का एक पूरा डब्बा पैक हो गया है और इसके ऊपर से और हर्ब्स आ गए हैं और ये रेडी हो गए। भैया एक बार लोकेशन बता दो अपनी। सर ये हमारी पीतमपुरा की एपी मार्केट है। अच्छा, नियर बाय एचपी पेट्रोल। भैया एपी ढिल्लों? एपी मार्केट, एपी ढिल्लों की मार्केट है। अब ये तो पता नहीं, एपी मार्केट है और ये पीतमपुरा की मार्केट है जी। यहाँ पे आप आ जाओ भैया के पास, स्टॉल आप पहचान लो और भैया को बोलो कि धीरज से एक बार बढ़िया वाली बनाओ, है ना, धैर्य से। बिल्कुल, धीरज से बनवानी है, धैर्य से। सर हम तो अपने आप ही बनाएंगे, आप कुछ मत बोलना, बस बना के दे देंगे। सही है, सही है। स्वाद वटांदरा करते हैं आज। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली कुछ डिफरेंट खाने को मिला है। ये गार्लिक ब्रेड है और स्ट्रीट में आपको इस तरीके से, ओ चीज पुल, ओ भाई ये तो मैं मिस कर गया, रुको रुको रुको, मुझे लग रहा है भैया ने काट दिया। वैसे चीज पुल नहीं आएगा बट अभी आया था तो मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। थोड़े 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 चीज पुल आ रहे हैं जो भैया ने ऊपर से बरसात करी थी। तो इसमें देखो हैलोपेनियो भी है, उसके साथ ये पपरिका भी है और अंग्रेजों का नजर बट्टू भी है। तो एक बाइट लेते हैं। हस अप हियर इज अ बाइट। वाह। ये तो उम्मीद नहीं करी थी भाई। जो इन्होंने ओरिगेनो और गार्लिक का वो जो एक पाउडर डाला है ना, सबसे ज्यादा अटैक वो करता है। बहुत ज्यादा कमाल टेस्ट है। जो सॉसेस हैं वो भी जबरदस्त हैं। और भाई इस प्राइस में जो आपको 6 पीसेस गार्लिक ब्रेड मिल रही है, मेरे हिसाब से दिल्ली जैसे शहर में ये एक बहुत बढ़िया डील है यार। यहाँ पे आके ये ट्राई करो, आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है। फिलहाल हम है जी तिलक नगर जेल रोड के पास और हम यहाँ पे आए जी केटी स्पेशल पिज्जा पे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम क्या हाल चाल है जी? बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए मैम, ये केटी क्या है? केटी मेरे बच्चों के नाम है। अच्छा, कृष्णा एंड तमन्ना। अरे वाह,
तो कृष्णा एंड तमन्ना जी के नाम पे आपने अपना पिज्जा का स्टॉल जो है वो चालू किया है। यहाँ पे कौन कौन से पिज्जा होते हैं मैम? यहाँ पे जो स्पेशल है वो कुल्हड़ पिज्जा है। अच्छा, इसके अलावा आपको विदाउट कुल्हड़ की भी अलग अलग वैरायटीज मिल जाएगी। यहाँ पे कुल्हड़ पिज्जा भी है, विदाउट कुल्हड़ पिज्जा भी है, और फिलहाल ये क्या बना रहे हैं आप? कुल्हड़ पिज्जा की मेकिंग हो रही है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास आपको मैगी मिलेगी, वेजी मैगी, प्लेन मैगी, चीजी मैगी जी, एंड कॉफी की वैरायटी भी है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, कुल्हड़ कॉफी। अरे वाह। और मैम इससे पहले आप क्या करते थे? मैं रिटेल लाइन में जॉब करती थी। अरे वाह। मेरी लास्ट कंपनी कपिवा थी, कपिवा मॉडर्न आयुर्वेदा कंपनी, उसमें मैं एज अ सुपरवाइजर वर्किंग थी। राइट। मैंने रिजाइन करके अपना स्टार्ट। तो मैम इसमें कैसे आए आप, मतलब स्ट्रीट फूड में कैसे आपने सोचा कि ये लगाते हैं? एक्चुअली क्या था कि हमने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखा कुल्हड़ पिज्जा वायरल है, तो हमारा भी मन हुआ खाने का। हम मार्केट में निकले तो आसपास ऐसा कुछ मिला है, मैंने अपना कुछ स्टार्ट करने का था कि अभी जॉब ना करके कुछ अपना स्टार्ट करते, मैंने कहा इसी को स्टार्ट करते क्योंकि आसपास कुछ है भी नहीं। घर में प्रिपरेशन करी, एक महीना उसके ऊपर वर्क किया, उसके बाद हम मार्केट में लेके आए। बहुत मार्केट में लाने के बाद भी कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग काफी चेंजेस किए हैं। जी जी, बेटर से बेटर बनाते। क्या बात है। तो मैम कैसे आपने चेंजेस क्या किया? और अभी मैं देख रहा हूँ आप एक बेस को टोस्ट कर रहे हैं जी। तो कुल्हड़ पिज्जा तो पूरा कुल्हड़ में बनता है, आप ये क्या कर रहे हैं? पहले इसकी फिलिंग बनाई जाएगी जी पैन के अंदर, फिर उसको हम कुल्हड़ में फिल करके दोबारा बेक करेंगे। अरे वाह। तो अभी फिलहाल तो जो कार्ब्स अच्छे से टोस्ट हो रहे हैं ना, उसकी वजह से एक बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हम यहाँ पे और भी बहुत तरीके के जो पिज्जास हैं वो बनाते हैं। ये देखो इधर पूरा का पूरा मेन्यू है, आप पॉज करके पढ़ लेना। और अभी प्रेपरेशन हो रही है तो आपको पूरी प्रेपरेशन दिखाते हैं। अभी ये जो हमारा बेस है ये रेडी है, ब्राउन हो गया, अब हम इसको कट करेंगे, स्लाइसेस करेंगे। और ये पूरी की पूरी डाई स्प्रेड जो है वो पैन के अंदर आ जाएगी। ये हमने स्लाइसेस को पैन में डाल लिया, अब हम सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा मैम एक कॉम्प्लीमेंट है कि आपने बहुत साफ सुथरा एकदम कार्ट जो है वो रखा है। थैंक यू सो मच सर। और डे वन से ही कार्ट था या उसके पहले आप टेबल पे लगाते थे? कार्ट से। तो ये देखो ये एक अभी कैप्सिकम और क्या क्या आएगा मैम? कैप्सिकम आ गया है, अभी टमाटो आएगा, टमाटो के बाद हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। नवरात्रि है इसलिए अनियन ऐड नहीं करेंगे। जी जी जी। आ गए इसमें स्वीट कॉर्न जी। अभी हम इसमें पनीर ऐड करेंगे जी, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। अच्छा जी। बीबा की शेजवान, थोड़ा प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है। जी जी जी। इजी टू यूज है। करेक्ट। ये हमारी आ गई केचप। अच्छा केचप भी है। अब हम इसको अच्छे से सॉर्टे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही कमाल सा एक स्टफिंग जो है मैम ने प्रिपेयर कर दी है, और ये अब कुल्हड़ के अंदर जाएगी। और चीज मुझे लग रहा है आप कुल्हड़ में ही डालेंगे ना? जी बिल्कुल। और मैम ये क्या लोकेशन है आपकी? लोकेशन है तिलक नगर जेल रोड, सोना बेकरी के जस्ट सामने, केटी स्पेशल कुल्हड़ पिज्जा के नाम से। अगर आपको कुल्हड़ पिज्जा कभी भी खाना है जी, आप यहाँ पे आ सकते हैं 6 to 10:30। ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी स्टफिंग। जी स्टफिंग तो रेडी है, और अभी इसको अंदर भर के कुल्हड़ के और दिखाते हैं आपको कि कैसे लगाते हैं। कुल्हड़ में फिल करेंगे जी। अब हम इसमें मोजरेला चीज ऐड करेंगे। अच्छा जी। साथ ही पिज्जा चीज भी डालेंगे। अच्छा पिज्जा चीज भी है मैम। ये आपने सीखा कहाँ से कुल्हड़ पिज्जा बनाना? सर ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। अच्छा, और घर में प्रैक्टिस की है, और उसके बाद कार्ड से सीखा है। कार्ड पे जैसे जैसे कस्टमर के फीडबैक आते गए हमने चेंजेस करते गए, बेटर बनाने की कोशिश की है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई है सारी? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये दोबारा से स्टफिंग जी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और कस्टमर्स भी आए ट्राई करें और बताएं। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अप्रिशिएट करते हैं फीडबैक्स को। थैंक यू सो मच। एंड अभी ये बेक होगा और जब बाहर आएगा तो इसको देख के मुंह में पानी भी आएगा, और इसको खा के आपको बताएंगे भी। अभी एक लेयर चीज की और आएगी जी ऊपर फ्रंट पे। हम जहाँ आप जॉब करते थे वो आपके जो कॉलीग्स हैं वो आते हैं आपके पास खाने? बिल्कुल आते हैं सर। तो वो क्या कहते हैं? वो तो घर के लिए भी पैक करा के ले जाते हैं। अरे वाह क्या बात। एक लेयर चीज की और ये कुल्हड़ पिज्जा जो है ये रेडी है। मतलब इतना साफ सुथरा एकदम जैसे हाइजीनिक तरीके से कुल्हड़ पिज्जा बनता हुआ मैंने आज पहली बार देखा है। हम इन कंटेनर्स में क्या है? इसमें पनीर है, एक में कॉर्न है, एक में कॉफी के सैशेस हैं, और एक खाली है। कॉफी के सैशेस? आप कॉफी भी सर्व करते हैं? जी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में हॉट कॉफी एंड कोल्ड कॉफी। अरे वाह बहुत बढ़िया मैम। मेरा ध्यान ना एक्चुअली खाने पे होता है, तो मैं क्योंकि भुक्कड़ आदमी है हम लोग तो याद नहीं रहता कि पीने को क्या क्या है। और इसको आप बेक भी इसी पे करेंगे जी? अच्छा 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। और आप ओवन यूज ही नहीं करते? वो नॉर्मल पिज्जा के लिए। अरे वाह क्या बात है भाई। क्योंकि इसका जो फेस है जी, जहां से हम एंट्री करते हैं वो छोटा है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कुल्हड़ उसमें आएगा। ओके तो भाई साहब ये तो टोटल प्रेपरेशन जो है वो ऐसी है गैस के ऊपर। आप घर में भी बना सकते हैं? जी 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 जी। बट मैम आप घर पे बनवा के आप अपने कस्टमर्स क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं फिर उनको टेस्ट नहीं आएगा ना, वापस आएंगे। जी 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 जी। ये भी बात सही है, पार्ट ऑफ द जोक ऐसा कुछ। जी जी जी।
बाकी पूरी प्रिपरेशन इसके ऊपर ही होती है जी। हमारा कुल्हड़ पिज्जा रेडी है मैम। रेडी है ये जी, बिल्कुल रेडी है। वाह, ये तो एकदम जबरदस्त भाप मार रहा है, क्या बात है। ओरिगैनो ऐड करेंगे सर, आप चिली फ्लेक्स लेते हैं मैम डाल दीजिए प्लीज मैम, पर कल तो याद नहीं आएगा ना कुल्हड़ पिज्जा, इतना मत डालिएगा। ठीक है सर, थोड़ा ही डाल। और ये कितने का है? 100 रुपीस सर ओनली। बहुत बढ़िया, 100 रुपीस में कुल्हड़ पिज्जा, आके खा लो भाई साहब, हम तो खाने लगे हैं। स्वाद वटांदरा करते हैं आपके साथ। ये देखो कुल्हड़ पिज्जा रेडी है, और भाई यहाँ पे लाइट थोड़ी येलो है, बट कुल्हड़ पिज्जा तो बहुत सुंदर लग रहा है यार। ये पनीर वाला पीस जो है एक उठाते हैं। सब हियर गोस। भाई साहब जो क्वालिटी है ना, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खुद ही बोल पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कमाल क्वालिटी है यार। हमने अभी तक जिस भी जगह पे कुल्हड़ पिज्जा खाया है, थोड़ा क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स और कच्चापन जो है वो एक प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ पे मैम ने दोनों चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो कर दिया है। फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, वेजीज को अच्छे से टॉस करके, ब्रेड को अच्छे से टोस्ट करके और फिर इसको सर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा कमाल है। आप यहाँ पे आके ट्राई करो, आप बोलोगे अरे भाई तो कमाल है यार।